हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डियर फ्रेंड्स में। हम यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको आई कार्ड मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पहले की सारी वीडियोस मिल जाएगी, स्क्रीन एंड पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपकी जहाँ से इच्छा हो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इफ़ इन ए सर्टेन लैंग्वेज सूट इज कोडेड एज, तो कोडिंग का जो अल्फ़ाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे सूट की कोडिंग की हुई है और हमसे पूछा जा रहा है, हमसे एक और गिवन है यूजेस की कोडिंग भी हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि वॉइस की कोडिंग किस तरह से होगी। अगर इन दोनों की कोडिंग गिवन है तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें सूट को और ये देखें, तो हम अगर सबसे पहले इसकी क्या लिखते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं करना, मैं डिटेल में आपको बता रही हूँ ताकि हर एक इंसान को समझ में आए। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये मैंने लिख दिया सूट। एस की जो कोडिंग होती है वो होती है 19, यू की होती है 21, आई की होती है 9, टी की होती है 20 और ई की होती है 5। अब अगर हम देखें जो यहाँ पे कोडिंग हमें गिवन है, एस की गिवन है हमें कोडिंग, ये गिवन है हमें 21। अब 19 से 21 कब आया होगा, जब हमने इसमें क्या ऐड करा होगा, +2 ऐड किया होगा। अब अगर हम बात करें यू, तो यू के अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या 42। तो इस तरह से आपको करना है, एग्ज़ाम में आए तो आपके पास क्वेश्चन ब्रेक कर लेना है 2 के पार्ट्स में। तो अब अगर आप देखेंगे 21 से 42 कैसे आया होगा, जब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा 2 का। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ कि ये चीज़ कैसे आई होगी, जब 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे है हमारे पास 18, तो 9 से 18 आया होगा, जब हमारे पास क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। ये मैंने 18 लिख दिया, ये कब आएगा, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे। 20 की बात करें तो नेक्स्ट हमें गिवन है 22, तो 20 से 22 कब आएगा, जब हम क्या करेंगे इसमें +2 ऐड करेंगे। तो ये हमने +2 ऐड यहाँ पे करा होगा। और वैसे अगर हम देखें 5 से 10 आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, जब होगा हमारे पास 2 का, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। अब अगर आपको देखें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे +2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई टू +2 हो सकता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से यही सीरीज इसमें सेम फॉलो हो रही हो, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया उस तरह से सेम इसके लिए भी होगा। मैं इसकी कोडिंग यहीं पर लिख देती हूँ, तो यू की कोडिंग होती है 21, नेक्स्ट एस की कोडिंग होती है हमारे पास 19, ए की कोडिंग होती है 1 और जी की कोडिंग होती है 7 और हमारे पास ई है, इसकी कोडिंग होती है 5। अब हम इसमें चेक करेंगे 21 से यू की कोडिंग 21 होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या गिवन है, 42 गिवन है। तो 21 से 42 कब आया होगा, जब हमने यहाँ पे क्या करा होगा, मल्टीप्लाई 2 करा होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मैं यहाँ पे लिखती हुई जाती हूँ किसके लिए हमने करा है, तो ये यू के लिए हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एस, एस की कोडिंग क्या है 19, और 19 के हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या गिवन है, ये गिवन है 21, तो यानी कि हमारे पास एस से जो हमने क्या करा होगा, +2 करा होगा, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई है, जो हमें यहाँ पे कोड गिवन है बेसिकली वो आया है। ए की कोडिंग 1 होती है और एक यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट है वो गिवन है 2, यानी कि 1 में क्या करा होगा, 2 का मल्टीप्लाई करा होगा, जब हमारे पास आएगी यहाँ पे वैल्यू 2। तो मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताने के लिए। और जी की बात करें, इसकी कोडिंग होती है 7 और यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो क्या है, 9 है, यानी कि 7 में क्या हमने करा होगा, ऐड, तो 2 ऐड करा होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये जी है और जी में हमने क्या करा है, +2 ऐड करा है यहाँ पे। नेक्स्ट ई की बात करें, ई की यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट टर्म है वो है 10, तो 5 से 10 यानी कि मल्टीप्लाई 2 हो रहा होगा। और ई किसकी कंडीशन की बात करें, हम बात करें ई की। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, तो यहाँ पे तो अल्टरनेट हो रहा है, यानी कि एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके ये जो ये हमने सोल्व करा है, हमें जो गिवन है क्वेश्चन उसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं हो रहा। तो आप सोचेंगे कि कहीं ये गलत तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा तरीके से फॉर्मेट किया हुआ है कि जैसे जो जो यहाँ पे बेसिकली वोवल्स हैं उनके लिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 यूज़ में लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वोवल्स के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ में ले रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं।
और अगर वही यही बात करें हम कॉन्सोनेंट्स की, यानी कि व्यंजन की बात करें, तो वहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, टू ऐड कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे एस क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे हमने क्या करा प्लस टू करा, और यू हमारा क्या है वोवल है, और ये इसमें हमने क्या करा मल्टीप्लाई टू करा। सेम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यू के लिए हमने मल्टीप्लाई टू करा, ए के लिए मल्टीप्लाई टू कराया क्योंकि ये हमारे वोवल्स हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें याद रखिएगा हमेशा जो वोवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनमें भी डिफरेंस करके यहाँ पे इस तरह से क्रिएट किया होता है कॉन्सेप्ट, तो ये कोडिंग की हुई होती है बेसिकली। अब हमसे पूछा हुआ है नेक्स्ट वॉइस के लिए, तो वॉइस के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारे पास वी ओ आई सी, और ये है इनकी कोडिंग लिख देते हैं। वी की कोडिंग होती है 22, ओ की कोडिंग होती है 15, आई की कोडिंग होती है 9, सी की होती है हमारे पास 3 और ई की होती है 5। अब वी क्या है, हमारे वी आता है हमारे कॉन्सोनेंट्स में, तो कॉन्सोनेंट्स में तो आता है, तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस टू करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेम लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट्स के लिए प्लस टू, तो मैं डायरेक्ट करती जाती हूँ। तो 22 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 24, और 24 हमारे पास किसकी कोडिंग होती है, ये तो बेसिकली यहाँ पे गिवन है। इस तरह से जैसे यहाँ पे कोडिंग गिवन है ना, अगर इस तरह से नहीं गिवन हो और आपको कोड की फॉर्मेट में, मतलब अल्फ़ाबेट की फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता, तो उस तरह से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट गिवन है। ओ की बात करें तो ओ हमारे किस में आता है, वोवल्स में आता है, तो यानी कि मल्टीप्लाई टू होगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 30। नेक्स्ट बात करें आई, आई किस में आता है, हमारे वोवल्स में आता है, तो इसको मल्टीप्लाई टू करेंगे, हमारे पास 18 वैल्यू हो जाएगी। सी हमारा आता है कॉन्सोनेंट्स में, तो 3 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। और ई की बात करें, ई भी वोवल्स में आता है, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। अब देख लीजिए ये जो कोडिंग है ये कौन से ऑप्शंस में गिवन है हमारे पास, तो अगर आप देखेंगे ये जो है ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसमें हमारे पास ये कोडिंग गिवन है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप सो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको सोल्व करा है। इसमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बस यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो आप, तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का आपको ध्यान रखना है कि कहीं इनके चेंज होने के अकॉर्डिंग ही तो इसमें फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा। मतलब अगर कॉन्सोनेंट में अगर आप देखेंगे एक में सेम चेंज हो रहा है, तो सेम दूसरे कॉन्सोनेंट में भी तो उस तरह से चेंज नहीं हो रहा, और वोवल में एक में चेंज हो रहा है तो वोवल में दूसरे वोवल में अगर आप चेक करेंगे तो उसमें भी वैसा ही चेंज हो, तो स्वर और व्यंजन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इस तरह से कोडिंग की हुई होती है। आई होप सो आप सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज हम यही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।